तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, कहता है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग अ स्पीसीज। ओके, और इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NaH2PO4। तो हमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है फास्फोरस का, चूँकि वो अंडरलाइन है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लेते हैं। ओके, चलिए इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने क्या ले लिया, एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल टू चार्ज ऑन दी मोलिकुल। ओके, ये होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सोडियम का कितना है, प्लस वन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस वन। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या है, प्लस वन, और हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं, टू एटम्स, तो टू से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर हम प्लस करेंगे फास्फोरस का, एक्स मान के चले हम लोग, और प्लस करते हैं ऑक्सीजन का जो कि है माइनस टू, और ऑक्सीजन के फोर एटम्स से तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। ओके, जीरो है, तो हम यहाँ पे चार्ज ऑन दी मॉलिक्यूल क्या हो गया, जीरो। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, यहाँ से हमको मिल जाता है प्लस वन और यहाँ से हमको मिलेगा प्लस टू, तो प्लस टू हम नोट कर लिए, और ये एक्स, और यहाँ से हमको मिल रहा है कितना, माइनस एट, तो माइनस एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा, ये हो गया प्लस थ्री और यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो हम देखेंगे प्लस थ्री, तो प्लस थ्री और माइनस एट हमको यहाँ पे क्या देगा, माइनस फाइव, तो हम माइनस फाइव नोट करेंगे और इक्वल टू जीरो। तो देयर फोर हम यहाँ पे लिख पाएंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया किसका, फास्फोरस का। ओके, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना आ गया, प्लस फाइव। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू प्लस फाइव। तो बहुत सिंपल है, हम लोग इस तरह से और भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर बी में ना सल्फर अपना अंडरलाइन है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को निकालना है। तो सोडियम का प्लस वन होता है हमेशा, प्लस वन दीजिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे प्लस वन होगा। सल्फर का कैलकुलेट करना है तो हम एक्स ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का होता है माइनस टू। ओके, चलिए फिर हम लिखेंगे देयर फोर, सोडियम के कितने एटम्स हैं, केवल एक ही एटम्स हैं, तो हम यहाँ पे प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर हाइड्रोजन मेरा एक ही है, तो हम प्लस वन नोट करेंगे और वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सल्फर हो गया, सल्फर के एक ही एटम्स हैं तो केवल एक्स लिखे। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे फोर एटम्स हैं, तो हम फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वल टू कितना लिखेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इस पर चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू जीरो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से हमको मिलेगा प्लस वन और यहाँ से भी हमको मिल गया प्लस वन, और ये हमारे पास हो गया एक्स, और यहाँ हमारे पास हो गया माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो अभी देखिए हमारे पास क्या आता है आंसर, ये हो गया प्लस टू, यहाँ पे एक्स, और ये माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस सिक्स। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा निकल गया। सी नंबर पे फास्फोरस को अंडरलाइन किया गया है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या मान लिए, एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे प्लस वन हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन के फोर एटम्स हैं तो फोर से कर लिए मल्टीप्लिकेशन। फिर हम यहाँ पे एक्स नोट किए किसके लिए, फास्फोरस के लिए, फास्फोरस के टू एटम्स हैं तो टू से मल्टीप्लाई किए एक्स को। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ऑक्सीजन का होता है माइनस टू, तो माइनस टू लिखे, और कितने एटम्स हैं, तो सेवन एटम्स हैं, तो सेवन से मल्टीप्लाई किए और इक्वल टू जीरो। आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है प्लस फोर, और ये एक्स को टू से मल्टीप्लाई किए तो टू एक्स, और यहाँ पे हमको मिल गया फोर्टीन इक्वल टू जीरो। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमको यहाँ पे मिल रहा है टू एक्स, और यहाँ पे हो गया माइनस टेन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा अगला स्टेप में टू एक्स इक्वल टू हमको मिलेगा यहाँ पे प्लस टेन, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया ना, प्लस फाइव। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया फास्फोरस का। तो डी नंबर पे मैंगनीज को अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे पोटासियम, ये हमारा के है, इसका हम प्लस वन जानते हैं। ओके, और ये मैंगनीज का हम एक्स ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का माइनस टू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए हम यहाँ पे नोट करेंगे प्लस वन किसके लिए, तो पोटासियम के लिए, और टू एटम से तो टू से मल्टीप्लाई कर लिए, और मैंगनीज के एक ही एटम से तो हम एक्स लिखे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के फोर एटम से
तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू और इसको फोर से मल्टीप्लाई किए और इक्वल टू जीरो। तो इक्वल टू जीरो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मोलिकुल है इस पर कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज होता तो हम चार्ज के इक्वल लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमको मिल जाता है प्लस टू और ये हमारे पास है एक्स और यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस एट और इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। देयरफोर हमारे पास x का वैल्यू आ जाता है प्लस सिक्स। तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, प्लस सिक्स। तो e नंबर पे ऑक्सीजन को अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमारे पास कैल्शियम है और इसका प्लस टू होता है हमेशा, तो हम यहाँ पे प्लस टू नोट कर लिए और ऑक्सीजन का हमको निकालना है तो एक्स ले लिए। ओके, कोई चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल पे, तो देखिए हम यहाँ पे प्लस टू किए और यहाँ पे कैल्शियम का एक ही एटम है तो हम वन से मल्टीप्लाई किए और एक्स लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए और ऑक्सीजन के टू एटम्स है तो टू से मल्टीप्लाई कर लिए और इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। क्यों, चूँकि कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से हमको मिल जाता है प्लस टू और यहाँ पे हमको मिल जाता है 2x इक्वल टू जीरो। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे अगला स्टेप मिलेगा 2x इज इक्वल टू माइनस टू। तो देयरफोर x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू अपॉन टू। तो यहाँ से हमको मिल जाता है माइनस वन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया ऑक्सीजन का, यहाँ पे माइनस वन आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को बोरोन का निकालना है, तो हम देखेंगे सोडियम का प्लस वन और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा माइनस वन। ओके, चलिए अब हम नोट करते हैं। तो सोडियम के एक ही एटम से तो हम प्लस वन लिखें और वन से कर दिए मल्टीप्लिकेशन। ओके, आगे चलिए, हमारे पास बोरोन का क्या है पता नहीं, तो एक्स ले लेते हैं, तो एक्स लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का माइनस वन है तो हम यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे चूँकि फोर एटम से। ओके, और इक्वल टू जीरो देंगे। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, तो अगला स्टेप में हमको यहाँ पे मिल जाएगा प्लस वन। ओके, और एक्स प्लस में रहेगा और यहाँ पे हमको मिल जाता है माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो आगे चलेंगे हम देखेंगे यहाँ पे हमको मिलता है एक्स माइनस थ्री और इक्वल टू जीरो। तो हमको यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाता है कितना, प्लस थ्री। तो यहाँ पे बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, प्लस थ्री। ओके, तो यहाँ सल्फर को अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, तो सल्फर का निकालना है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्स। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन का क्या होगा, प्लस वन और ऑक्सीजन का क्या होगा, माइनस टू। तो आइए अभी हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। देयरफोर हमारे पास प्लस वन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस वन और यहाँ से टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, क्यों, चूँकि टू एटम्स है और सल्फर के लिए हम एक्स ले लिए हैं और इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, चूँकि टू एटम्स है। और इसी तरह से हम प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, टू और यहाँ पे कितने एटम्स हैं तो सेवन, तो हम सेवन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, और इक्वल टू कितना करेंगे, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से तो हमको मिल जाएगा प्लस टू और ये हमको हो जाता है टू एक्स और यहाँ हमको मिलेगा 14 इक्वल टू जीरो। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, ये हमारे पास हो जाता है 2x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। देयरफोर हमारे पास आ रहा है 2x इज इक्वल टू प्लस 12 और 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, प्लस 6 किसका, सल्फर का। तो ये लास्ट है, यहाँ पे हमको निकालना है किसका, सल्फर का। तो देखिए पोटासियम का प्लस वन होता है हमेशा, आप लर्न करेंगे, और एल्युमिनियम का प्लस थ्री होता है हमेशा। ओके, और यहाँ पे हमको निकालना है सल्फर का तो इसका हम एक्स मान लिए, और ऑक्सीजन का होता है माइनस टू तो माइनस टू नोट कर लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस वन होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, माइनस टू। ओके, आइए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफोर हम लिख सकते हैं पोटासियम का प्लस वन। ओके, चूँकि सिंगल एटम है तो प्लस वन, फिर प्लस थ्री करेंगे किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, और सल्फर के कितने एटम्स हैं तो आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है ना, टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि सल्फर के टू एटम्स हैं। तो हमको यहाँ पे एक्स लिख करके टू से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर हो जाते हैं फोर टू जा एट और यहाँ पर 12 है ना, तो कितने हो गए, 8 प्लस 12 दैट इज 20। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे माइनस 2 इंटू 20। ओके, क्यों, चूँकि 20 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। फिर हम प्लस लेंगे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे,
यहाँ पे आप देखिए 12 इंटू टू दैट इज 24, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 1 इंटू 24, ओके प्लस 1 इंटू 24 इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाता है प्लस 4, तो हम प्लस 4 नोट किए, और यहाँ पे हो गया 2x, तो प्लस में हम 2x ले लिए, और यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया माइनस में 40, ओके। और यहाँ पे आप देखिए ये हो गया प्लस में 24 इक्वल टू 0। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास 2x, और ये देखिए प्लस 4 और प्लस 24 हमको क्या मिल जाएगा ना, प्लस 28, और ये माइनस में 40 इक्वल टू 0। प्लस 4 प्लस 28 एंड माइनस 40 हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा माइनस में 12, तो हो गया 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाता है 2x इज इक्वल टू प्लस 12, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस 6। तो यहाँ पे x किसका मान के चले थे हम लोग, सल्फर का, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया हमारे पास क्या, प्लस 6, ओके। सो यहाँ पे हमने सारे अंडरलाइन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लिया है। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू, सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स, ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।